चुका है। अभी देखो भाई इसको कैसे पीछे करता हूँ मैं। बाय बाय। अरे हीरो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हट जाओ आ जाओ। स्प्लेंडर ने आज थोड़ा दिल तोड़ दिया भाई, 100 सीसी की बाइक ने पीछे कर दिया यार। सो हेलो गाइज, मैं हूं प्रियांशु, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज अभी हम एक राइड कंप्लीट कर रहे थे और अभी जस्ट ISM के बाहर हम लोग रुके हुए हैं। थोड़ा वीडियो शूट वगैरह करना था, कंप्लीट हो चुका है। बस अब जस्ट यहां से निकल रहे गाइज, एक और व्लॉग मैंने सोचा कंटिन्यू कर लेते हैं। ये देख लो ये ISM वाला गेट, यहाँ से फिर से मैं वो अभी बाइक चला रहा था, फिर से हमने एक्सचेंज कर लिया, मैं BMW पे आ गया हूँ। और भाई अभी मेरे साथ पूरा रेसिंग वगैरह लगा रहा था जब वो इस बाइक पे था। भाई मुझे पीछे किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है, बोल रहा बाइक चलाना नहीं आता है। अब इसको हम बताते गाइस, इसको पीछे करके छोड़ते हैं, आगे तो एक बार भी निकलने नहीं देंगे गाइस। अब इसको देख सकते हो, जैसे अभी हम लोग आए थे ना गाइस, लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोग देखना, जब हम लोग आए थे तो यहाँ पर पूरा खाली खाली ऐसा रोड था, लेकिन अब क्या है कि धीरे 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 यहाँ पर मार्केट जो है वो बढ़ रहा है, मतलब भीड़ जो क्राउड है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हर लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे हैं और मतलब अपने यूज़ के लिए निकल रहे हैं, जो भी चीज़ ज़रूरत है उनको अपना लेने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए और अपना वर्क प्लेस पर जाने के लिए भी। सुबह का मज़ा अलग होता है, रोड खाली खाली पूरा रहता है। अरे कहाँ चला गया, कितना पीछे रह गया था भाई। पल्सर ऐसे देखने में भी यार अट्रैक्टिव है काफ़ी ज़्यादा। अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक है पल्सर, 150 सेगमेंट में ले लो ना तो मतलब रिलायबल भी है और बहुत अच्छी बाइक भी है, मतलब चलाने वलाने में भी बढ़िया है और रिलायबल भी है। तो सीधा जाने के लिए दोनों इंडिकेटर देना ज़रूरी है क्या? ये मुझे काफ़ी बार ऐसा मन में आता है कि भाई दोनों इंडिकेटर क्यों जला दे रहे हैं। अगर कोई उधर से देखेगा तो उसको लगेगा इधर जाना है, कोई इधर से देखेगा तो उसको लगेगा इधर जाना है। मतलब ये कार्स में यूजुअली मैं देखता हूँ इसी मोड पे हर लोग मतलब ऐसे दोनों इंडिकेटर हज़ार्ड चालू कर देते हैं और चले जाते हैं आगे। ये मुझे नहीं समझ में आया भाई, काफ़ी मैंने परेशानी का चीज़ है ये, हो सकता है कन्फ्यूजन भी हो जाए, हो सकता है मुझे आइडिया नहीं हो इस बारे में, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा कुछ सुना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने हमेशा देखा है कि भाई हर लोग यहाँ पर अपना दोनों इंडिकेटर ऑन कर देते हैं और फिर सीधा निकल जाते हैं। मैं मान लो अगर इधर से देखता हूँ तो मुझे लगेगा कि भाई ये लेफ्ट आने वाला है, अगर उस साइड से देखता हूँ तो उसे मुझे लगेगा कि वो राइट जाने वाला है। स्पोर्ट मोड में ही मैं इसको चला रहा हूँ, इसको स्विच कर लेते ट्रैक पे। ट्रैक पे मतलब यूजुअली मैं चलाता नहीं, बहुत दिन के बाद अभी मतलब समझ लो कर रहा हूँ। भाई ये बस कितना बड़ा है भाई, इतना बड़ा तो स्कूल बस भी नहीं हुआ करता था हमारा। भाई ट्रैक में डिफरेंस है, मैं स्पोर्ट में इतना देर से चला कर रहा हूँ ना, अभी एक थ्रॉटल में ही मुझे फील आ गया भाई फर्स्ट गियर में कि भाई इसमें फ़र्क है, और साउंड में भी डिफरेंस है देखो। ओ अंकल जी लोग पूरा रिएक्शंस दे दिए भाई। भाई यार हर किसी के मुंह पे अरे BMW भाई ठीक है यार, अब क्या छोड़ो यार, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा मैं। जिसके पास नहीं है भाई उसको तो लगेगा ही कि भाई इसके पास है, मतलब अगर किसी और के पास भी होता ना भाई, अभी भी जैसे मैं किसी और के पास देखता हूँ कि भाई इसके पास Z900 है तो मैं एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ, भाई Z900 काश ये मेरे पास भी होती, ऐसा लगता है यार, ह्यूमन नेचर ही है। और ये R15 वाला भाई फुल रिएक्शन दे रहा है भाई ऐसे गुस्से में,
एक बाइकर का मूड ऑफ हो या कुछ भी हो, उसके पास अगर कोई बाइक आ जाती है ना तो यार उसका मूड फ्रेश हो जाता है। एग्जॉस्ट लगवाने के बाद इसमें जो फील आने वाला है ना, वो तो अनदर लेवल आएगा। जाओ पीछे, बहुत बोला है कि इसको चलाने नहीं आता है ना, देख लो भाई चलाने आता है तभी आगे निकल पा रहे। लीनिंग आते आते हमें काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन जाते आते यार तुरंत हम लोग ऐसा लग रहा है निकल जा रहे हैं, लेकिन आते हुए ही थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा कम था, अभी तो फिर भी ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है, मतलब ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उस टाइम से ज़्यादा अभी है। ऐसे तो यार ट्रैफिक तो पूरा भरपूर होता है यहाँ पे भाई, इतना स्पीड में यहाँ से निकल रहा हूँ ना, इस रोड पर इतना स्पीड में जा ही नहीं सकते क्योंकि पूरा गाड़ी से ही भरा होता है ये। चलाने आता है ना, जाओ चलाओ भाई 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 भाई, ओ मैन भाई साहब ऐसे स्टीप था भाई रोड, बाइक चलाना नहीं आता, नहीं आता क्योंकि ये BMW चला रहा था उस टाइम और मैं पल्सर चला रहा था भाई, पूरा ट्रॉल किया है मुझे। तो अभी देखो भाई इसको कैसे पीछे करता हूँ मैं, बाय बाय भाई। थर्ड गियर में मुझे पीछे किया था, मैंने भी थर्ड गियर में पीछे कर दिया। भाई स्प्लेंडर वाला चार्ज हो गया, देख लो स्प्लेंडर भी तुमसे आगे निकल गया। हाँ भाई स्प्लेंडर को पहले पीछे किया जाए, भाई फुल चार्ज हो चुका है। अभी भी चार्ज ही है भाई, अरे हीरो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हट जाओ आ जाओ। भाई अभी भी फुल चार्ज में ही है, टक्कर दे रहा भाई, टक्कर दे रहा है, वाह। ऐसे लोग चाहिए भाई हमें कंटेंट के लिए। हेलमेट भी नहीं लगाया भाई, देख लो पूरा नाक बन रहा है रोड पे, एकदम सांप बन रहा है। या बाहर है छोटा सांप, आ जाओ आ जाओ। पूरा रेस लगा लिया ना, अभी भी हार नहीं माना भाई। अभी भी हार नहीं माना भाई, स्प्लेंडर वाला जीत के ही दम लिया यार। चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, उससे ज़्यादा रोड रेज नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा रेस ही नहीं करेंगे यार, क्योंकि वो अभी हेलमेट वगैरह भी नहीं लगाया, तो हो सकता है यार इतना धूल वाला रास्ता है कुछ पत्थर वगैरह पे पड़ जाए उसका टायर तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं भाई। स्प्लेंडर ने आज थोड़ा दिल तोड़ दिया भाई, 100 CC की बाइक ने पीछे कर दिया यार, पोपट हो गया हमारा। तुम तो पीछे रहो,
पूरा ट्रॉल किया गाइस मुझे, मैंने उसको ट्रॉल कर दिया कि भाई तुम पीछे रहो। चला आगे पीछे कर पाया क्या? दो वापस एक तो अच्छा सिखाया नहीं गाड़ी ऊपर से गाड़ी में सिखाया कैसे नहीं, तुम तो इसमें था तो तुम बोला कि हम आगे निकल जाएंगे, कैसे दो वापस हमको? तुम दो क्या दो, चलो भाई क्या सिखाया नहीं हमको, आगे आ ही नहीं रहे तो आगे नहीं आ रहा, हम क्या कर सकते हैं भाई? वही तो स्प्लेंडर भी देख रहेगा, स्प्लेंडर पूरा पीछे किया जा रहा है, इसको भी पीछे कर दिया, इसको भी पीछे कर दिया, स्प्लेंडर से यार पोपट हो गया आज हमारा। अच्छा सिखाया तभी तो तुम इसको लेके आगे निकल पा रहा था। दो मेरा गाड़ी का है, दो गाड़ी मेरा गाड़ी है तुम्हारा थोड़ी है। क्या बोला तूने? हाँ जाओ 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 तुम आगे निकल जाओ जाओ। पीछे कैसे आएंगे यार, अभी देखो ना अभी अभी गए इसके, बोला है ना पीछे रहना, पीछे पीछे मैं रहूँगा घर जाकर फिर बोलेगा कि देखा पीछे कर दिए पीछे कर दिए। भाई इसको पीछे इसको पीछे ही छोड़ देना भाई, इसके आगे इसको आगे नहीं जाने देना। बाय बाय। अभी गए घर में जाकर पूरा गुस्सा हो जाएगा यार मेरे ऊपर कि आगे क्यों निकला। मम्मी को बोलेगा भाई, अभी रिक्वेस्ट करेगा एक और बाइक दिलाओ, हम इसको पीछे करेंगे। चलो छोड़ो भाई जाने दे देते हैं वरना फिर झगड़ा हो जाएगा घर में। अभी कितना पीछे रह गया भाई, जा जा तुम ही खुश रहो। चलो अब वापस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना भाई। संडे राइड हमारा आज कंप्लीट हो गया, मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा, और ये भाई पार्ट टू बनाया मैंने क्योंकि यार इतना ज़्यादा ही लंबा ब्लॉग बन गया था कि मुझे पार्ट टू का बनाना ही पड़ा। तो चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।